बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपके पास हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो कि एक बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फैट पैट शॉपिंग की थी नाज ने, जैम के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी थी लाइक विंटर कलेक्शन में से उनके कपड़े। हमने कभी इनसे पहले ट्राई नहीं किया था, दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा इसका रिव्यू कर लेते हैं, साथ में कैसा है। तो दिस इज़ अ रियली रियली क्यूट रॉम्पर, साइज़ 6 to 12 मंथ इसलिए मंगवाया था कि माशाल्लाह जैम की हाइट अच्छी है काफ़ी। तो ही इज़ ऑलरेडी वेयरिंग लाइक बिग बॉय क्लोज। तो फिर हमने कहा कि बड़े मंगवा लेते हैं, लेकिन दीज रन अ लिटिल बिट टू बिग, सो आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू वेयर देम और नॉट, पर इंशाल्लाह पहन लेगा जनवरी तक आई गैस, अगर दिसंबर तक ना भी पहन सका तो। तो वो जो पिछला रॉम्पर था उसकी जो मटेरियल था वो थोड़ा पतला था, ये वाला जो है इसका मटेरियल थोड़ा थिक है। हम लोगों ने की विंटर कलेक्शन से थी सारी। एक सेकेंड बेबी। अच्छा सॉरी, जैम का बेड टाइम है तो वो दूध की बॉटल पी रहा था, सो उससे मेरी अटेंशन चाहिए थी। मैं अभी ये रात के वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दरमियान में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सॉरी। अच्छा तो खैर, ये वाला जो ग्रे कलर का था, ये पिक्चर्स में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये ऊन है, लेकिन ये वो नहीं थी। बट स्टिल वार्म, स्टिल नाइस। साइज़ में थोड़ा सा गेन, ये भी इसकी शर्ट की लेंथ छोटी है एंड पैंट की लेंथ बड़ी है, तो आई थिंक साइज़ के लिहाज से आई थिंक ठीक ही है। एंड देन ये है एक और, आप कहेंगे इतना येलो कलर क्यों है, बिकॉज नाज को येलो कलर फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा है इस सीज़न में, तो शी ऑर्डर्ड यू नो अपनी मर्ज़ी से। तो ये अनदर है, ये भी बहुत मज़े का, एक खुला खुला सा प्यारा सा। मुझे याद है पाकिस्तान में हमारी एक आंटी हुआ करती थी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा ये ऊन का सारा काम किया करती थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई है। अगर वो होती तो मैं ज़रूर उनसे जैम के लिए कुछ बहुत प्यारा सा बनवाती, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो खैर ये आई मीन ऑनलाइन अब चीज़ें मिल जाती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये वाला जो है, ये है जनाब हालोवीन का। नहीं, हम लोग हालोवीन बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आई डू नो के गुनाह मिलता है एंड आई डू नो कि इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये नाज चाह रही थी कि इसका नाइट टाइम का है तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहन लें। एंड आई वाज लाइक विल थिंक अबाउट इट। बहरहाल अगर आप लोग करते हो हालोवीन तो ऑनलाइन ये क्यूट था, इट वाजंट इवन एक्सपेंसिव, इट वाज लाइक फॉर $5। दिस इज़ माय वेरी वेरी फेवरेट बिकॉज ऑफ द हैट, इसकी हैट बहुत क्यूट है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह guys, so we're opening Abby and Finn diapers box today that just came in the mail. I am so excited. I don't think so. I have been never so excited about diapers, but these are so cute. How cute! This is sea print. They're so cute. And this was what, I forgot. I think this was like day or something. This is size 3. They're so cute. And this is safari print. I cannot wait to use them. I'll keep you guys posted and I'll let you guys know how I like them, but I'm really really excited. I got size 4 and 2 size 3. He wears size 2 of Pampers or Huggies right now. The reason I got size 3 for him is because on their website they say okay, you know, their diapers run a bit smaller than other brands, so just size up. So मैंने ये size up किया। I'm gonna use actually one of these diaper for him now, even though I don't need to open a pack, but I'm gonna do it so I can finish this review and let you guys know how I like it and whether they're worth it or not. By the way, first time purchase पे they give you 20% off with I think take 20 उनका code है, उसके साथ free shipping 20% off होता है, बट अदरवाइज इनकी प्राइस ऐसे ही पड़ती है जैसे पेम्पर की होती है। सो आई ऑर्डर्ड दिस बंडल यूजिंग दैट कोड एंड इट वाज चीपर दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट बी चीपर, इट विल बी जस्ट अ रेगुलर प्राइस। सो या आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड वी आर गोना यूज वन ऑफ दिस टुडे एंड देन आई विल लेट यू गाइस नो हाउ आई लाइक इट। Alright guys, so here I'm just trying to show you guys कि size का difference है। ये है Walmart का parents dress का 2 and ये pamper है 2 size, और वो है Abby and Finn का 3, and you can see इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। so I am glad कि मैंने size up करके order किया था,
सो इफ यू आर गोना ऑर्डर फॉर योर लिटल वन, मेक श्योर कि साइज़ अप करके करिएगा. अगर वो दो पहनता है तीन करें, तीन पहनता है चार करें, तो दिस इज़ द डिफरेंस. एंड बाय द वे आई लव 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 द डायपर्स, दे आर सो क्यूट एंड दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, सो दैट वॉज अ ग्रेट डील आई गॉट एंड आई विल बी ऑर्डरिंग मोर. मुझे फ्यूचर में अब जब डायपर चाहिए होंगे तो मैं इंशाल्लाह डील वगैरह देख ही लूँगी. मैं वैसे भी डील्स वगैरह काफ़ी ढूंढ लेती होती हूँ, ऑनलाइन अच्छी मिल जाती हैं, तो ये अच्छे डायपर्स हैं तो ये ही लेंगे. एनीवे अब हो रही है हमारी बेकिंग, तो फिर करते हैं. अच्छा जी गाइस, तो अब आ जाते हैं हम लोग वीकेंड की पैकिंग की तरफ. मेरे हस्बैंड का और बहन का दोनों का दिल था घर पे कोई केक शेक बेक हो, तो इन दिनों मैं काफ़ी बेकिंग कर रही हूँ. ये मैंने बनाई थी बनाना ब्रेड चॉकलेट शिप के साथ. यूजली मैं वॉलनट के साथ बना दी हूँ, बट मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई विद चॉकलेट शिप. ये इन्ग्रीडियंट्स हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लें. बेसिकली यही इन्ग्रीडियंट्स यूज़ हुए थे एंड आपको आगे मेथड पता चल जाएगा कैसा है क्या है. लेकिन जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स होते हैं ना, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, चॉकलेट चिप एंड वन थिंग जो मैंने इसमें ऐड की थी दैट इज़ सावर क्रीम. वो मैंने पहले कभी नहीं यूज़ की थी बेकिंग में, लेकिन वह बनाना ब्रेड की बेकिंग में, लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐड की थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड सॉफ्ट सी एंड मज़े की बनी थी. सो यहाँ पे आटा डाल के उसमें चीनी डाल दी है एंड देन बेकिंग पाउडर डाल दिया है एंड देन हमने चॉकलेट चिप डाल के इसे मिक्स कर लेना है. जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपके जो बनानास हैं राइप होने चाहिए, मेक श्योर बनाना, तो तीन उनको लेके सही से मैश कर लें. देन हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे. तो ये मैंने शाम के वक्त कुछ वीकेंड पे की थी वीडियो रिकॉर्ड आप सबके लिए और साथ में बेकिंग की थी, बिकॉज ऑनेस्टली लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है बंदे की वैसे भी, और फिर माशाल्लाह से बेबी हों तो देखिए भी रियली रियली बिजी होते हैं. छोटे से टाइनी से ह्यूमन, लेकिन इनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं. पहले भी मैं जॉब करती थी तो मेरी लाइफ बिजी होती थी, पर ऑब्वियसली घर आके फिर बंदे के पास अपना टाइम होता था. अब मैं स्टे एट होम माम हूँ, लेकिन दैट्स अ 24 आवर जॉब, सो इट कीप्स मी बिजी. लेकिन एनी वे मैं आप लोगों के साथ सुन अपनी मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन शेयर करूँगी, दैट वे यू वुड नो that my little one keeps me so busy and how. Anyway, ये आपने अभी देखा है मैंने बनाना में सावर क्रीम एंड एग्स एंड बटर डाला था. ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से, और आप नोटिस करेंगे मैं मिक्स करते हुए एक ही क्लॉक वाइज उसमें जा रही थी. तो इसी तरह करें बेकिंग के लिए, दिस इज़ अ गुड टिप के ये और ये अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़े थोड़े डाल के इन्हें मिक्स करूँगी. दैट वे मुझे पता है कि इसके अंदर कोई भी वो क्या कहते होते हैं गुटलियाँ वगैरह और ये चीज़ें नहीं बनेंगी. आई विल बी अ परफेक्ट मिक्सचर. अगर तो आप हाथ से कर रहे हैं तो बनाना ब्रेड का हाथ से ही करना बेस्ट होता है, ताकि आपके बनाना बहुत ज़्यादा ही रनी एंड वाटरी ना हो, आपको अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए. तो फिर ये सारे डाल का आटा थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इस दौरान में मैंने अपना ओवन ऑन किया हुआ था या नहीं किया हुआ था मुझे याद नहीं है, बट जो भी आपने ओवन इस टाइम पे ऑन रखना है, मैंने 350 डिग्रीज पे रखा था फॉर अबाउट 50-60 मिनट्स के लिए. ऑब्वियसली आप दरमियान में चेक कर सकते हैं, बिकॉज हर ओवन की हीटिंग डिफरेंट होती है. सो आपको अपने घर का पता होगा कि कितना टाइम चाहिए, सो वो उसके मुताबिक आप अपना टेम्परेचर सेट कर लें ओवन का. एनीवे ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे. इतने मज़े की इसकी खुशबू थी पूरे घर से, इतने मज़े की जब ये बेक हो रहा था खुशबू आ रही थी कि पता चलता था कि बेकिंग हो रही है घर पे. यहाँ पे फॉल सही से शुरू हो चुका है, पीक पे है, बाहर मौसम ठंडा होता है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही होती हैं, और फिर घर से आए बेकिंग की खुशबू फॉल में, तो मज़ा ही मज़ा जी बेस्ट हो जाता है, बहुत मज़ा आता है. वैसे भी फॉल में बेकिंग तो वैसे भी मशहूर होती है, सारे लोग ही कर रहे होते हैं. कभी पम्पकिन के कप केक्स बना रहे होते हैं, कभी पम्पकिन के केक्स बना रहे होते हैं, कभी पम्पकिन पाई बन रहा होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. हमारे घर में पम्पकिन इतने शौक़ से खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने जो भी बेकिंग करनी होती है वो यूजली प्लेन वनीला की करती हूँ. चॉकलेट जो है वो ना मेरे हस्बैंड को पसंद है ना नाजी को पसंद है, सो मैं चॉकलेट के केक्स जो हैं वो कम बनाती हूँ. ये भी मैंने चॉकलेट चिप इसमें डाला था, सबसे ज़्यादा मैंने ही खा लिया था बिकॉज ऑफ चॉकलेट चिप. खैर मैंने इसको इंजॉय किया था. अगर आप लोग चाहें तो आप चॉकलेट चिप के बजाय वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स से भी बहुत मज़े की ये बनती होती है.
यहाँ पे मैंने पेन लिया है, उसके इर्द गिर्द सारा स्प्रे कर दिया है। मेरे पास ऑलिव ऑयल का स्प्रे था, मैंने वही कर दिया। आपके पास अगर नहीं है तो ब्रश के साथ इजी पेन के इर्द गिर्द कर दें। देन मैंने नीचे थोड़े से और चॉकलेट चिप डाल के ऊपर डाल दिए। ये देखें, मैंने अवन एक्चुअली में गर्म प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था 350 पे। तो आप लोग भी बिफ़ोर यू स्टार्ट बेकिंग, आप लोग भी अपना अमन स्टार्ट कर लीजिएगा। सो बाय द टाइम यू आर डन मिक्सिंग एवरीथिंग, अमन ऑन होगा। ये जो बाकी का बैटर मेरे पास रह गया था, मैंने सोचा वाई नॉट इसके हम लोग बना लेते हैं थोड़े से कपकेक्स, जॉब पे ले जाने के लिए ईजी होते हैं या ब्रेकफास्ट के लिए ऑन द गो ईजी होते हैं। देर नॉट कप केक्स, देर मफिन। तो ये मैंने नीचे इनके वॉलनट्स डाले हैं, एंड देन ऊपर जो भी मिक्सचर बाकी रह गया था ये डाल के इन्हें भी बेक कर लेंगे। अब जो मफिन्स होते हैं या कप केक्स होते हैं वो जल्दी बेक होते हैं, क्योंकि उनकी मिक्सचर की क्वान्टिटी जो है वो थोड़ी होती है। सो ये बाद में मैंने रखे थे केक के, लेकिन ये रेडी पहले हो गए थे। तो ये रह के अमन में मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ था कि मुझे जाके पेरी पेरी है, ओरिजिनल पेरी पेरी ओरिजिनल रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो मुझे उनसे जिंगर वगैरह ला के दें। उनका जिंगर बहुत मज़े का है। एक्चुअली मैं उनके पास दो नए बर्गर आई हैं, बहुत मज़े के हैं, लेकिन जो उनका जिंगर है ना, उसके ऊपर चपोतले सॉस एंड पेरी पेरी ओरिजिनल सॉस वगैरह डलवा के खाएं, बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। सो आई वाज रियली रियली वेटिंग के वो आ जाए ताकि मैं खा लूँ और साथ में मैं खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखूँ, जो कि बहुत ही लंबा हो गया है। कौन मेरे साथ एग्री होगा कि वो ड्रामा एक्चुअली में पता नहीं कहाँ जा रहा है, स्टोरी ख़त्म ही नहीं कर रहे उसके। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली स्टार्ट किया हुआ है तो फिनिश करूँगी, स्किप कर करके देखती हूँ बहुत सारा। मुझे बताइएगा आप कौन कौन सा ड्रामा देखते हैं, या कोई अच्छे ड्रामे की रिकमेंडेशन दे। आजकल मेरे पास कुछ भी नहीं है देखने को, कज़ बात वहीं आ जाती है, टाइम इतना नहीं होता ना, तो बंदा कुछ स्टार्ट भी करे तो देख नहीं पाता। तो ये है, ये आ गया था पेरी पेरी, एंड ये है उनका बर्गर, और साथ में ये मैंने स्पार्कलिंग आइस वाटर पी रही थी, एंड साथ में हम ड्रामा देख रहे थे। अच्छा, मैंने पता है मनी हाइस फिनिश करना है देखना, लेकिन मैंने उसकी दो तीन एपिसोड्स देखी हुई हैं और बाकी आई थिंक एक दो ही रहती हैं, वो मैं अभी तक नहीं देख सकी। और फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि इतने अरसे से मनी हाइस्ट आया हुआ है और मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे ख़त्म नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें देखने नहीं देती कि मेरे बाहर आप देखेंगे नहीं, मैंने साथ देखना है। और खुद जब वो फ्री होते हैं रात में, मैं सो जाती हूँ। सो हम लोग वो देख ही नहीं सके। ये पीछे मैं आपको बर्गर उनका दिखा रही थी पेरी पेरी का, जो कि आप देख सकते हैं बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा जी, सो बनाना ब्रेड हो गई थी रेडी। ये इसमें मैंने टूथपिक डाल के मेक श्योर किया है कि इट्स कमिंग आउट क्लीन। इफ़ इट इज़ कमिंग आउट क्लीन दैट मीन्स इट्स फुली बेक और परफेक्टली बेक। तो इसको ठंडा करके फिर आप लोग इसे काट के और मज़े से चाय के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और मुझे पिक्चर्स बना के ज़रूर इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा इफ़ यू गाइस डू गिव इट अ ट्राई, एंड आई थिंक यू ऑल शुड डू। अगर बच्चे हैं घर पे तो दिस इज़ गोना बी वन ऑफ वेरी 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 फेवरेट बच्चों की भी। तो अभी मैं आगे आपको रिव्यू भी लेके दूंगी। हेलो, कैन यू रिव्यू दिस फॉर माई वीडियो? सच सच बताएं कैसी बनी है? गर्म है? ओके चॉकलेट चिप है या मजे की है, अच्छी मजे की है। अच्छी नहीं है? अच्छी है ना, बनाना पड़े क्या? बनाना बीच में है इसमें? इट हैज बन इट्स बनाना ब्रेड विद चॉकलेट चिप बेसिकली इंस्टेड ऑफ वॉलनट्स। मजे की है? नहीं, वॉलनट्स का जायका है, मैंने इसमें वॉलनट नहीं डाले। मज़े की है, बट इसमें सावर क्रीम वह रह गई है, इसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है। मज़े की है? हाँ, मज़े का। थैंक्स।